हेलो स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करते हैं सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज। ये क्वेश्चन आपका 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5, 24, 61, 122, 213 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालने अगर पहुंचेंगे तो आपको ये मिलेगा अंतर कितने का? 19 का। यहाँ से आप आएंगे तो ये 7 और ये 5 में 2, ये 37। इसके बाद अगर आएंगे तो ये दूना लिखा हुआ है, यहाँ 61 मिलेगा। कहानी यहीं से फेल हो जाएगी। क्यों? यहाँ तो लगा था कि 19 से 37 दूने के आसपास भटक रहे हो आप, एक कम लिखा है। 37 का दूना 74 होगा, उससे तो ये बहुत दूर है। तो ये लॉजिक आपका क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर फेल हो जाएगा। डिफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं है। तभी हम कहते हैं स्पेशल वैल्यू के केस याद होने चाहिए आपको। देखो वहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 213 और एक लिखी है 122। ये देखते ही आपको स्पेशल केस याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका घन यानी क्यूब की तरफ चल रहा है। ये क्वेश्चन घन की तरफ पहुँच रहा है। 213 एक स्पेशल वैल्यू का केस है। 216 होता है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। लेकिन अगर आपको 213 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा आगे देखो तो यहाँ भी ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 5 का क्यूब माइनस 3। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 3 घटा दोगे 122। तो देखो ये फॉर्मेट ही पूरा हमें बनता दिख रहा है क्या? एन क्यूब माइनस 3। और जो n की वैल्यू हो रही है वो क्या होती जा रही है? एक एक बढ़ती जा रही है। देखो ये 5 था, ये 6। ये देखो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है आपका 4 का क्यूब माइनस 3। इसके बाद 24 क्या लिखा हुआ है आपका? 3 का क्यूब माइनस 3। 5 क्या लिखा हुआ है? 2 का क्यूब माइनस 3। तो इसी तरीके चलेंगे। तो पहले 2 नंबर था, फिर 3, 4, 5, 6। तो अगली वैल्यू क्या होगी? 7 का क्यूब। और उसमें क्या होगा? 3 घटेगा। 7 का क्यूब कितना होता है हमारा? 343। उसमें जब आप 3 घटाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 340। आप समय ढूंढ लें 340 कहाँ लिखा हुआ है। 340 है आपका डी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन यानी 340। आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। जो टाइप्स आपके बहुत पूछे जा रहे हैं वही टाइप्स उठाए हमने। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जा चुका है। ये टाइप बहुत चल रहा है। 16, 33, 100, 401 क्वेश्चन में नंबर बढ़ रहे हैं। 16 से 33 आसपास ही बढ़े हैं, 33 से 100 थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गए, और 100 से 400 आप बहुत बढ़ गए। तो हमने बताया है, बार बार चीज़ें बताई हैं कि नंबर बढ़ने के क्या तरीके हैं आपके पास। या तो वैल्यू जुड़ रही होगी, या तो गुणा करके बढ़ रही होगी, या तो गुणा और प्लस दोनों एक साथ चल रहे होंगे। तो फिर देखो यहाँ से हम लास्ट में अगर हिट कर दें, आपसे कहें 100 से 401 पहुँचो, तो कितनी बार भाग जाएगा आपका? 4 बार जाएगा। और 100 से 4 बार में आप कहाँ पहुँच जाओगे? 400 पे। लेकिन आपको लाना है अगर 401, तो अभी कितना कम पड़ रहा है? एक और जोड़ना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा? और जोड़ना पड़ेगा। आगे आ जाओ, अगर आपसे कहें हम कि 33 से 100 लाना है, तो देखो 33 से 100 में अगर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाता दिखेगा? 3 बार। और 33 से 3 बार में आप पहुंचोगे 99 तक, और 99 से अगर आपको 100 लाना है तो एक ये क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पीछे देख लो, 16 से 33 कितनी बार? 2 बार, और एक और बढ़ा। तो देखो इंटू प्लस चल रहा है, और इसमें जो गुणा करने वाली वैल्यू है वो एक एक क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऐड करने वाली वैल्यू फिक्स है, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा। जबकि गुणा पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब हम लोग गुणा 5 का करेंगे और जोड़ेंगे 1। तो अगर 401 गुणा 5 करेंगे तो ये आएगा कितना हमारा? 2005। इसमें हमको अभी क्या करना है? एक जोड़ना है। तो ये रिजल्ट हमारा कितना दे देगा? 2005।
आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2006। और 2006 हमारा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी 2006। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, और जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5, 18, 70 278 क्वेश्चन मार्क। देखो 5 से 18 चीज़ें बहुत ही धीरे से बढ़ रही थी, ऐसा लगा डिफरेंस चला लेंगे काम, लेकिन आगे देखो 70 से 278 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी किसका सहारा लेते हैं? गुणा का सहारा लेते हैं। अच्छा, गुणा का सहारा अगर लेते हो आप तो 5 से ये कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 3 बार में आप कहाँ पहुँचोगे? 15 पर। और 15 से अगर आपको 18 लाना है तो कितना जोड़ लोगे? 3 जोड़ लोगे, इंटू 3+3। अच्छा 18 से आओ आप, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 3 बार में आप कहाँ पहुँचोगे 18 से? 54 पे। आपको 70 लाना है, क्या करोगे? 16 जोड़ोगे। ये कोई बात बनी नहीं है, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि 3 का गुना था 3 का, वो तो ठीक था, लेकिन ये 3 था, यहाँ एकदम से 16 आ गया। कोई बात बनी नहीं। हो सकता है भाई अंतर हो इस वैल्यू के अंदर, क्योंकि 3 दिख रहा है। चलो इस पे आ जाते हैं। तो 70 से 3 बार में कहाँ पहुँचोगे आप? 210। अब आपको लाना कितना है? 278। कितना कम पड़ रहा है? 68। बनने को वैसे कि यहाँ पर चीज़ बन रही है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक लेवल से बन रही है, आप उसको सोच नहीं पाओगे। 3 से 16 का रिश्ता नहीं होता है, 4 से 16 का रिश्ता होता है। अगर इसमें एक बढ़ा लो 4 कर दो तो 4 चौको 16, 16 में एक बढ़ा लो 17, 17 चौको 68। लेकिन इतना डीप सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमने बताया जब भी आप गुणा करके चीज़ें बना रहे हैं और नहीं बन रही है, तो जितनी बार भाग जा रहा है आप उससे क्या करें? एक स्टेप आगे चले जाएं ज़बरदस्ती। तो चीज़ें इंटू प्लस की बजाय फिर कहाँ बनेंगी आपकी? इंटू माइनस पे बनेंगी, क्योंकि आप भाग दे रहे थे, कुछ भाग गया, कुछ शेष बचा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे चीज़ें। लेकिन अगर चीज़ें नहीं बन रही तो आप एक स्टेप आगे चले जाएं। अगर आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे तो चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। तो अभी आपने देखा 3 बार भाग जा रहा था, तो हम 3 बार न जाकर कहाँ जाएंगे? 4 बार चलते हैं। हमने कहा आप 4 बार चलें, तो 4 बार में आप कहाँ पहुँच गए? 20। लेकिन आपको 18 लाना है, आप क्या करेंगे? 2 माइनस कर लेंगे। आप क्या करेंगे? 2 माइनस कर लेंगे। 18 से 3 बार भाग जाता जा रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती कितनी बार करेंगे? 4 बार। कहाँ पहुँच गए? 72। लेकिन हमको 70 लाना है, क्या करेंगे? 2 माइनस। देखो चीज़ें दिख गई, दोनों में सिमिलर चीज़ हुई है। आगे आ जाओ, 70 से आप 4 बार पहुँचेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? 280 पे। लेकिन अगर आपको 278 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस। लॉजिक हिट। पूरे क्वेश्चन में क्या किया गया है? 4 गुना और फिर 2 कम। तो आप भी कर दें भाई, कितना लिखा हुआ है आपके पास? 278। 278 का आप 4 गुना कर दें और उसमें क्या कर दें? 2 घटा दें। ऑप्शन में अगर देख लें वैल्यू, देखो डायरेक्ट कैसे हिट की जाती है। अगर इसका गुणा करोगे तो 8 चौको 32, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर उसमें आप 2 घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे डायरेक्ट हिट किया जाता है। तो यूनिट डिजिट 0 देखो एक ही ऑप्शन में है, किसमें? 1110 में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो गुणा कर लें। ये कितना? 4, 8, 32 कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 28 और 3, 31 कितना बचा? फिर 3 बचा। 4 × 2 = 8 और 3 ये कितना आ जाएगा? 1112। उसमें आपको अभी क्या करना है? 2 माइनस करना है। तो रिजल्ट आएगा जो, वो हमारा कितना आ जाएगा? 1110। और यही तो लिखा हुआ है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं आपको, स्पेशल वैल्यू के केस, स्पेशल वैल्यू और इनटू प्लस और इनटू माइनस, ये आपके स्पेशल टाइप हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन लगातार हमारे क्या बन रहे हैं? पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।